what do you guys think के joint family system आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा? आप लोग को कैसे देख रहे हैं जैसे जैसे नई generation जो आ रही है और वो अपनी thinking में भी और अपने lifestyle में भी बहुत independent है, उनको अच्छा नहीं लगता interference. तो एक ये side effect या एक है चीज़ joint family system की, आप ना भी जाएं तो थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट तो होती है सबकी, यू नो, जो आप साथ रह रहे होते हैं. तो हाउ डू यू गाइस सी दिस हैपनिंग इन फ्यूचर? आई थिंक हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो अगर छोटी फैमिली है जैसे एक बेटा है तो वो माँ बाप के साथ रह रहे हैं, सही, दैट्स फाइन. लेकिन अगर कोई बड़ा ख़ानदान है जैसे कि बेबी बाजी में चार भाई दिखाए हैं, मुझे नहीं लगता कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए इतनी बड़ी फैमिली में. वो फिर बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं. बाकी कुछ लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फैमिली साथ रह रही हैं. हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो मुझे तो लगता है नहीं होना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट यू थिंक. नहीं, आई थिंक द सेम. असल में जॉइंट फैमिली में जो सुनीता कहना चाह रही थी वो कि अगर छोटी है तो अच्छा है, प्रॉब्लम्स तब भी आती हैं, ठीक है. बड़ी में तो खैर आप लोग देख ही रहेंगे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर छोटी है प्रॉब्लम्स उसमें भी आती हैं, चीज़ें होती हैं. मुझे ये लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कल्चरली हमारा एक बड़ा प्यारा सिस्टम है. अगर उसको चलाना है आपने, अगर इफ़ एवरीवन फील्स इनसाइड दिस रूम और आउटसाइड दिस रूम कि एक बहुत प्यारी चीज़ है और उसको होना चाहिए, तो दोनों साइड्स को एफर्ट करनी पड़ेगी, जो माँ बाप हैं उनको भी और जो बच्चे हैं उनको भी. We need to understand. Both the sides need to understand each other. अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे माँ बाप अगर हैं तो दे बिलोंग टू, यू नो, मे बी 60s and 70s, अर्ली 50s, लेट 50s, एंड हम अब 21st century के लोग हैं. अडेप्टबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है. अब जैसे मेरा बच्चा अगर बड़ा होगा वन इज़ 18, तो 20 साल बाद की बात है या 30 साल बाद की बात है, अगर मैं अडेप्ट नहीं करूँगा उसकी थिंकिंग पे, ज़माना चेंज हो चुका होगा, तो आई विल बी द वन टू बी ब्लेम्ड एट. ये गलती, द ऑनस लाइज ऑन मी, नॉट ऑन हिम, क्योंकि मैं अडेप्ट नहीं कर पाया. सो बोथ साइड्स नीड टू मेक एन एफर्ट. और अगर मैं ये देखूँ एक आइडियल सिनेरियो में कि अगर दोनों साइड्स एफर्ट मार रही हैं और एक अच्छा जॉइंट फैमिली सिस्टम बना हुआ है, तो उससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं. इफ़ आई इमेजिन अबाउट इट, मैं आपको बताऊं, कल मैं शूट कर रही थी और वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट ऐसे बीच में फ्री टाइम था तो बात हो रही थी. तो ऐसे मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा तो तुम लोग कितने बहन भाई हो? तो उसने बताया माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, जिसमें से 5 बहनों की शादियाँ हो गई और 4 बहनों की शादियाँ हो गई और 3 भाई ये लोग और बहन एक साथ रहती है और बाकी के जो 2 भाई हैं उनकी शादी हुई हुई है. तो मैंने कहा अच्छा तो तुम लोग सब साथ रहते हो? उसने कहा हाँ हम सब साथ रहते हैं. मैंने कहा तो लड़ाई वड़ाई नहीं होती? तो उसने कहा नहीं, हमारी तो बिल्कुल लड़ाई नहीं होती. कहते हालांकि जो छोटी भाभी है वो कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ कमरे से बाहर निकलती हैं खाना खाने के लिए, खाना खाती है और अंदर चली जाती है. तो फिर मैंने कहा घर का काम? उसने कहा वो बड़ी भाभी करती है और बहन करती है, तो उनको कोई एतराज़ ही नहीं है इस पर, ना अम्मी को एतराज़ है, ना भाभी को एतराज़ है, ना बहन को एतराज़ है. अच्छे लोग हैं. मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर ऐसे घर तो बहुत कम होते हैं ना. अगर कोई और घर हो तो वो तो यही कहे ना कि ये क्या बात हुई कि मैं सारा काम कर रही हूँ तो वो छोटी क्यों नहीं काम कर रही? बात यही होती है ना कि वो छोटी है, वही बात आ जाती है, वो छोटी है. उन लोगों को पता है जो बड़े लोग काम कर रहे हैं, उनको पता है कि इसका जब टाइम आएगा तो ये करेगी, कर लेगी. सही है, वी नीड टू गिव पीपल दैट मार्जिन. हाँ, मगर वो 10 साल हो गए ना. फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो कितने साल हो गए, कितने बच्चे हैं? तो वो छोटी के 2 बच्चे हैं और बड़ी वाली के 3 बच्चे हैं. मैंने कहा इतना टाइम है? या तो होता है ना शादी के भाई 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, वो चलो भाई सीख जाएगी, लेकिन शादी के इतने अरसे के बाद भी ये सब चल रहा है. फिर उसने कहा कि वो जो छोटी भाभी है वो चाहती है कि हमारा घर अलग हो जाए, लेकिन भाई नहीं चाहते, सब चाहते हैं कि हम एक साथ रहें. ओ, अब पता चला ना सब चुप क्यों हैं. सॉरी, उन्होंने कहा साथ रखने के लिए उसको कमरे में रहने दो. हाँ, मगर बात ये है कि बाकी सब खुश हैं जॉइंट फैमिली में. तो मेरा मतलब ये कहने का कि हर घर की एक मुख्तलिफ कहानी है, हर घर में एक डिफरेंट चीज हो रही है. तो मुझे लगा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारी बड़ी वाली भाभी तो मुझे बिल्कुल अस्मा वाले कैरेक्टर की लग रही है. बट देन अगेन, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम दैट आई हैव, आई लिव विद माय मदर एंड फादर एंड सुनीता एंड माय 2 kids एंड वी हैव आवर, माशाल्लाह से हमारे खिदमत गुजार घर में काफी लोग हैं जो हमारी खिदमत करते हैं. मुलाजिम का लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता, खिदमत गुजार हमारे लोग हैं. तो हमारे एडवांटेजेस बहुत हैं.
ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली बहुत एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं. आई विल बी वेरी ओपन अबाउट दिस. और प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के होते हैं. वही मैं कह रहा था, इफ बोथ साइड्स मेक द एफर्ट तो आप लोग इसको एक ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड हाउस या होम बना सकते हैं. सो दैट्स अबाउट इट. क्योंकि देखिए आई फेल कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होनी चाहिए. हमारा माशरा चेंज हो रहा है, सोसाइटी में एवोल्यूशन आ रहा है. जो नई जनरेशन है वो एक डिफरेंट तरीके से सोचती है, तो हम ये नहीं सोच के बैठ सकते कि खुद ही कुछ हो जाएगा. जब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ सोल्यूशन भी आना शुरू है. जिस तरह आप लोग कह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के मसले मसाइल हैं, डेफिनेटली हैं, स्पेशली अगर बहुत बड़ी फैमिली है. लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो ख्याल आता है ना कि फिर माँ बाप का क्या होगा अगर सब अलग हो गए. और खुद हम सब ने भी किसी एक स्टेज पे आके इस पे बनना है, उस स्टेज पे पहुँचना है जहाँ हमें भी अपनी औलाद की शायद जरूरत हो कि वो क्या करे क्या नहीं करे. अल्लाह करे सबको ये. लेकिन वैसे हम लोग इसी बात पे हम लोग कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि राकिन को मैं इंडिपेंडेंट कर दूंगा. मैं उससे कहूँगा गेट आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, जाओ. आई विल गिव हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. बट देन उसके लिए फॉर हिम टू कम बैक और फॉर हिम टू कम बैक इन हमारे हार्ड टाइम्स में, उसके लिए जो उसका प्रोग्रेशन है अभी से, मुझे उसके साथ एज अ फ्रेंड चल रहा है. अगर मैं उसको बिटर कर दूंगा, अपने खिलाफ कर दूंगा, तो जब वो बाहर जाएगा वो कभी मुड़ के नहीं देखेगा. या आई थिंक ट्वाइस यार. इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन मैंने भी सोचा कि हम करते हैं ताकि हम लोग को सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि ठीक है, अगर इस सिस्टम जिसको हम गिव अप नहीं करना चाहते लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या नेक्स्ट स्टेज किस तरीके से एक बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं. क्योंकि जो हमारे माँ बाप हैं हम उनको साइड पे तो नहीं कर सकते. एक वो चीज़ मैं एक बात बताऊँ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए. मतलब जैसे अब बेबी बाजी में है, अगर बेबी बाजी अलग से फ्लैट में लेके भी रहें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. बल्कि जब बंदा दूर होता है ना तो उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है. मुझे लगता है अगर वो अकेली रहती ना, हर भाई रोज़ एक एक करके सब आ रहे होते उनसे मिलने, तो सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है. बट वो बीबी बाजी को देख के मैंने सोचा, मैं एक्चुअली बहुत ही चीज़ें सोच रही थी. मैंने कहा क्या फ़र्क है अगर वो हर महीना रहना शुरू कर दें एक एक भाई के पास. हाँ, इसमें क्या बुराई है? कितना लेकिन फिर मैंने सोचा कितनी इंस्टेबिलिटी होगी अपने. और वो भी एक औरत जिस को एक घर की आदत थी, जिस जहाँ वो राज करती थी उसका अपना घर, तो उनके लिए इस एज पे ये ट्रांजिशन लेना, मैं जब अपने माँ बाप का भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है एक बहुत हम उनसे एक बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं. वी आर आस्किंग अ लॉट फ्रॉम देम टू मेक दिस ट्रांजिशन एट दिस स्टेज. और जो आप कह रही हैं कि अगर वो अकेले रह रही हूँ, ये भी एक ऑप्शन है. मैं ये कह रही हूँ कि अगर अभी से हर मतलब बचपन से ही सबके दिमाग में यही डाल दिया जाए बिल्कुल कि इट इज ओके टू लिव अब हम अगर अपनी जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू करें. एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में ना यही आता है, क्योंकि फिर जब अगर आप उस एज पे पहुंचते हैं तो यू आर ऑलरेडी बिजी विद सो मेनी थिंग्स एंड यू नो कि यू हैव टू लिव अलोन, तो वो आप चीजें नहीं आपको फील होती. एंड देन यू मेक योरसेल्फ बिजी विद अदर थिंग्स. पीपल डू गार्डनिंग और निटिंग और बहुत सारी चीजें. लेकिन वो एक माइंड फ्रेम एक प्रोसेस है, मगर वो माइंडसेट जो है ना वो फिर बचपन से चेंज करने की जरूरत है ना. एकदम से रातों रात नहीं हो सकता. जो आप कन्वर्सेशन की बात कर रही है ना कि इट हैज स्टार्टेड दैट कन्वर्सेशन, तो आई होप पीपल टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स एज़ वेल. हमारे माशरे में औरत की सिंपथी सिंपथाइज करना और उस पे तरस खाना बहुत सारी जगहों पे ये अच्छा समझा जाता है और उनको पसंद भी आता है अगर कोई उन पे तरस खाए. नाउ आई बिलीव अ पर्सन लाइक यू और हर, मैं आप लोग का इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक कर रहा हूँ मैं इसको, आप लोग को नहीं पसंद आएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर आप लोग पे कोई तरस खाए, राइट, अ लॉट ऑफ वुमेन लाइक इट, ठीक है. सो द पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट शुड स्टार्ट शुड बी रिलेटेड टू दिस एज वेल. कि हम वो ड्रामे में दिखा रहे हैं हम के बेबी बाजी की तरफ सिंपथीज हैं. अच्छा, अब ये अलग बात है कि उनको सिंपथीज वो अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं. यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है कि आप कितना किसी को किसके साथ एम्पथी इज़ डिफरेंट. सिंपथाइज आप कर रहे हैं और क्या वो उसको वो अटेंशन अच्छी लग रही है सिंपथी वाली. अगर अच्छी लग रही है फिर मसला है, बिकॉज नो वन लाइक्स टू बी यू नो सीन विद दैट लुक.